त्यौहार दीपावली के जहन में आते ही हमारे सामने रोशनी में सराबोर घरों की तस्वीर तैरने लगती है, लेकिन हमारे घरों को रोशन करने वाले कुम्हारों के घर बहुत मुश्किल से रोशन हो पाते हैं। देखिए खबर। मिट्टी को तरह तरह के आकार देकर एक से बढ़कर एक आकर्षक सामान बनाने वाले कुम्हार इन दिनों मुफलिसी की जिंदगी जीने को विवश है। हम बात कर रहे हैं सतना के उचेहरा की, जहाँ दिन रात मेहनत करने के बाद भी परिवार के लिए एक दिन में 100 रुपए कमाना भी मुश्किल है। प्रजापति समाज के लोगों का तो पैतृक व्यवसाय ही मिट्टी के बर्तन बनाना है, लेकिन इन दिनों उन्हें ना तो सही मिट्टी मिलती है और ना ही लकड़ी। ऊपर से महंगाई ने उनकी कमर तोड़कर रख दी है। शायद यही वजह है कि उनकी नई पीढ़ी इस धंधे को अपनाने से गुरेज कर रही है। मिट्टी के सामान कोई नहीं पूछता, बस वो शादी अवसर के लिए कलसा दे दो, हमारे घर के हड़िया दे दो, बाकी कहते थे हम भी वो प्लास्टिक के मंगवा लेंगे। कहने ज़्यादा तोहफा भी करते थे, हम भी वही काम करते थे, करते हैं, लड़के बच्चे भी हैं तो थोड़ा बहुत सीखे हैं, पूरे काम नहीं सीखे वो लोग लड़के बच्चे। मतलब ये दिन भरे में कितनी बना लेती हैं? 2 सैकड़ा 3 सैकड़ा। और इनकी लागत आपको कितनी मिलती है? हो गया यही कहीं 2 सैकड़ा बनी तो मान लीजिए कि 120 की हुई, 60 रुपये सैकड़ा जाता है। बिल्कुल नहीं, मजदूरी तक नहीं पड़ती है, इसकी कोई सुविधा भी नहीं है कि हम लोग कोई मशीन वशीन हो तो उससे बनाए, हाथ से बनाने में टाइम लगता है इसको। कोरोना ने भी इनके व्यवसाय को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसके साथ ही बाजारों में चाइनीज सामानों की बढ़ती मांग ने भी इनके व्यवसाय को मंदा कर दिया है। शादी विवाह सहित कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर शायद ही कभी मिट्टी के बर्तनों की खोज खबर ली जाती है। उधर प्रशासन इनकी चिंताओं से वाकिफ है। मिट्टी के दीपक बनाते हैं और ये गणेश जी और लक्ष्मी जी की प्रतिमा बनाते हैं, इनको नगर पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार का इनसे टैक्स ना वसूल किया जाए, ये आदेश जारी किया जा चुका है। दीपावली के दिन हमारी खुशियों में चार चांद लगाने वाले कुम्हार आज अपने आजीविका को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी इनके उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं, जो शायद धरातल पर कम और कागजों पर ज्यादा है। फिर भी इन्होंने अभी उम्मीद का दामन छोड़ा नहीं है और दिए गढ़ने के साथ ही जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। कैलाश ताम्रकर, बंसल न्यूज, उचेहरा।